अभी हम लोग पहुँचे हैं वांबोरी, इट्स इन एमपी एज पर लोकलाइट कंफर्मेशन। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी हुई है यहाँ से, और काफ़ी लंबा सफ़र तय करना बाकी है। बहुत ही अच्छा शांति वाला व्यू है यहाँ। ये मेरा दोस्त स्नेहल डाबरे लोकल लाइट के साथ में बातें कर रहा है, अपना टाइम पास जारी रखते हुए। तो अभी हम लोग भोपाल पहुंच चुके हैं, यहाँ से सांची के लिए ट्रेन लेने जा रहे हैं। तो ये हमारा भोपाल का बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है हबीबगंज। यहाँ से बाहर जाकर हम ट्रेन लेंगे सांची के लिए। मेरा दोस्त अंदर जाने की टिकट लेते हुए 10 हाँ थैंक यू। तो ये है टिकट जो हमें 30 रुपये में मिली।
तो हाय दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सांची का स्तूप। ये है मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे सांची का स्तूप। ये बना था 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोका द्वारा। सम्राट अशोका इस स्तूप के जनक है, जिन्होंने ये स्तूप की रचना की थी यहाँ पे। मौर्य सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धर्म जब अपनाया था, तब उन्होंने सबसे पहला स्तूप सांची में बनाया गया था उनके द्वारा। तो इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि उनकी जो शादी हुई थी सम्राट अशोक की, वो भी सांची के ही पास एक गांव है विदिशा, वहाँ पे हुई थी। उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने धर्मपत्नी जो विदिशा की थी, तो उसी के लिए ये जगह बहुत फेमस हुई। उनका शादी भी यहाँ पे हुई और उसके बाद उन्होंने 3री शताब्दी में ये स्तूप यहाँ पे निर्माण किया। 3री शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इस स्तूप का निर्माण चला। उसके बाद काफ़ी सालों तक, मंस 18वीं शताब्दी तक ये स्तूप का मुग़ल साम्राज्य चल रहा था। तो मुग़ल साम्राज्य के समय में 18वीं शताब्दी तक ये एकदम ऐसा धुलसा गया था। यहाँ पे एकदम आपको यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी अच्छा ये स्तूप है, बट 18वीं शताब्दी तक ये स्तूप काफ़ी जंगल की तरह हो गया था और पूरे पेड़ पौधे थे, यहाँ पे कुछ भी देखने लायक नहीं था। बट आफ्टर 18th century BC यहाँ पे सर जॉन मार्शल ने, अंग्रेज़ों के ज़माने में इन्होंने इस स्तूप की खोज की, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू आज हमें ये इतना अच्छा दृश्य देखने मिल रहा है सांची का। ये बुद्ध का स्तूप है, काफ़ी फेमस है और अभी यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड है, और काफ़ी अच्छे से इंडियन गवर्नमेंट इसका देखभाल रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही शांति प्रिय महसूस कर रहा हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। इतना अच्छा दृश्य, इतना अच्छा स्तूप हमारे देश में है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैंने इतने सारे जगह घूमा हूँ, मैं अभी हाल ही में भूटान भी घूम के आया, तो वहाँ पे भी मैंने बुद्ध के काफ़ी सारे संरचनाएँ देखी। उनमें से अभी उसके कंपैरिजन में भी मुझे सांची का स्तूप काफ़ी अच्छा लग रहा है। बुद्ध का अगर आपको शांति का संदेश अगर कभी महसूस करना है, तो आपसे आग्रह करूँगा कि आप एक बार सांची का स्तूप देखिए। बहुत ही प्यारा स्तूप है और एंजॉय करेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। के लिए बनाया, और उसके बाद में सर जॉन मार्शल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस स्तूप का खोज की और इंडिया में इतना अच्छा स्तूप हमें है इसकी मालूमात करवाई। तो देख सकते हैं स्तूप मेरी जस्ट बिहाइंड में, ये स्तूपा नंबर 1 है। इसके सराउंडिंग में छोटे छोटे काफ़ी सारे स्तूप हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको वीडियो में आगे इसकी जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू गाइस, नमो बुद्धाय।